हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीज फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रीटमेंट जो है वो इलाहाबाद से चल रहा है, प्रयागराज से। तो आज मैंने सोचा कि वहाँ पे मैंने आजकल एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में एक चीज़ चल रही है, जूडियो शॉपिंग मॉल। तो इलाहाबाद में है वो, तो मैंने सोचा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। तो आज डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद आज वहाँ भी चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, वो हैं और जो भी होगा सब आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकल लिए हैं और मैं, साईं और ड्राइवर अंकल, हम तीन लोग जा रहे हैं। वेदर जो है वो ठीक ठीक सा वेदर है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, तो ऐसा ही वेदर चल रहा है। तो फिर हम लोग पेट्रोल पम्प पे गए थे और वहाँ से मतलब पेट्रोल वगैरह फिल करवाया था, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए थे। और देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एज़ यूजुअल कि बारिश होना स्टार्ट हो गई। यार ये सब वेदर ऐसे होता है ना, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मतलब इवन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद होगा ये वेदर। ही ऐसा होता है कि अपने आप मतलब मन बहुत खुश हो जाता है, हैप्पी हैप्पी फील करता है इंसान ऐसे वेदर में, और काफ़ी सही भी लगता है। लेकिन थोड़ी सी मतलब रोड वोड का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वो कीचड़ वगैरह हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। कपड़े वपड़े नहीं सूखते, लेकिन बाकी ऐसे भीगना बारिश में, बारिश की चीज़ें खाना, सब एक अलग ही मज़ा है उन सब चीज़ों का। उसके बाद फिर हम लोग हाईवे पे पहुँचे और यहाँ पे एक कोई पीछे से बहुत अच्छा सा कोई भजन चल रहा था आई थिंक, तो हम लोग मैं वही साथ साथ में उसको भी गुनगुनाते हुए मैं अपना सफ़र तय कर रही थी। और फाइनली हम लोग इलाहाबाद पहुँच गए। इलाहाबाद का जो नैनी वाला पुल होता है, ये वो वाला पुल है। और फिर डॉक्टर के यहाँ ही हम लोग गए हैं, तो पहले तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे फिर देखिए, मैंने डॉक्टर का शूट नहीं किया क्योंकि क्या आपको हमेशा वही चीज़ें दिखाऊं? जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब मैं आपको वो सब दिखाऊंगी। फिर मैं पहुँची जूडियो शॉपिंग हॉल और यहाँ पे यार इतना सही सही स्टफ़ मिल रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। 199 रुपीज़ में इतनी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे यार कि मैं मतलब मुझे तो मज़ा आ गया। देखिए मेरे साथ पता यही चैलेंज होता है कि मेरे साथ वीडियो शूट करने वाला मेरा कोई नहीं होता है, जैसा कि आप बाकी यूट्यूबर्स को देखते होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे साथ ये थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन मैं बहुत जल्द ऐसा मतलब किसी को करूँगी कि जो मेरा वीडियो वगैरह शूट करे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, टी शर्ट वगैरह 199 रुपीज़ में, 149 रुपीज़ में, जो वेट वाइप्स होते हैं फेस पे वाइप करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल रहे थे। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यार, मतलब इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे कि मैं अभी आपको लिपस्टिक का सेक्शन दिखाऊंगी, वहाँ पे सारी लिपस्टिक ख़त्म हो गई थी, इतना ज़्यादा सेल हो गया था। फिर यहाँ पे मैं जो फुटवेयर होता है उसके मतलब सेक्शन में गई थी, काफ़ी अच्छे से फुटवेयर थे यार, लेकिन मैंने नहीं लिया फुटवेयर क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ जोडियो शॉपिंग हॉल भी अपना शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे फॉर्मल्स देखने को मिलेंगे, शर्ट वगैरह थी। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल सा ओके 700 में आपको 599 में बहुत अच्छी अच्छी ट्राउज़र्स जीन्स बहुत अच्छे अच्छे मतलब मिल रहे थे। मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार यहाँ पर आके। मैं अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं फिर से भी देखिए 199 में कितनी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स मिल रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अंडर गारमेंट्स का भी सेक्शन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, मतलब कॉम्बो पैक चल रहा था यहाँ पे, और मतलब तीन का दो का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यार। मतलब अगर आपको लेना है इस टाइप का तो जाके आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। ये देखिए नेल पेंट वगैरह देखिए कितना अच्छा है, 149 रुपीज़ में 4 नेल पेंट थे, पेस्टल कलर्स थे पूरे, मतलब अच्छे अच्छे कलर। ये देखिए लिपस्टिक की सेक्शन, सारी लिपस्टिक्स ख़त्म हो गई है, इतना ज़्यादा सेल हुआ है यहाँ पे संडे के दिन पे। और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ नेल पॉलिश का सेक्शन है, ये भी काफ़ी अच्छा अच्छा कलर था। ये 49 रुपीज़ का ईच था, मुझे कुछ ऐसे कलर पसंद आते हैं तो मैंने लिए थे। ये सारी चीज़ें मैंने ली थी तो उसको फिर मैं बिलिंग करवाने काउंटर पर पहुँची, और बिलवेल में तब थोड़ा सा टाइम लगा था 10-15 मिनट क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे आपको क्रंजीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पे शीट मार्क्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसके फिर मैं वहाँ से जब निकल गई थी तो बाहर ही एक गोलगप्पे वाले भैया थे, तो फिर मैंने यार भूख लगी थी तो फिर मैंने थोड़ा सा वो खाया था। इसके लिए मैंने बोला था साईं से यार वीडियो मेरा शूट करो, वो कर नहीं रहे थे। हालाँकि फिर मुझे भुट्टा दिख गया था तो मैंने भुट्टा खाया। उसके बाद फिर हम लोग ने ये सारी चीज़ें की। और यार पता है इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है, इसमें आपको हार्ड वाला चाहिए कि सॉफ्ट वाला चाहिए, ये भी इसमें होता है। तो भैया ने मुझसे पूछा कि आपको कैसा चाहिए, तो मैंने
फिर मैंने उनको बताया था कि मुझे जैसा चाहिए था, मुझे सॉफ्ट वाला ही जो होता है ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने ये अपना जो भुट्टा था उसको एंजॉय किया काफ़ी अच्छे से, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा सही था। ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग की सारी चीज़ें थी, फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। इसलिए ये व्लॉग थोड़ा पहले का है, मैं अपलोड अब कर रही हूँ क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों का, लेकिन टाइम एग्जैक्टली निकालना पड़ता है। और इधर तो डॉक्टर के चक्कर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके भी एकदम टेंस्ड हूँ इस चीज़ को लेके। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक देखिए ढाबे पर रुके थे, जहाँ से थोड़ा फ्रूटी वगैरह हम लोगों ने ली थी। और यहाँ पर भी खूब तेज़ वाली बारिश हो रही थी, तो मैंने रास्ते से मैंने फिर बोला था कि मुझे लाई चना चाहिए था, तो फिर मैंने ये फ्रूटी और साथ में लाई चना जो है उसको इंजॉय किया था। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम लोग, फिर उसके बाद ना मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया कि मतलब क्या फिर आप लोगों को वही चीज़ बार बार दिखाना। उसके बाद फिर हम लोग मिर्ज़ापुर आ गए थे, और यहाँ घर आने के बाद थोड़ा मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे ही है हम लोगों का। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। हाय एवरीवन, तो मैं इलाहाबाद से घर आ गई हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है ये सब मैं इसका ना अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं फिर कभी इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगी, फिर आप लोग साथ शेयर करूँगी जो भी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ। अभी ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी सी है प्रॉब्लम, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो शाम के बज रहे हैं 5, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं आई हूँ, तो मैंने सोचा इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।